हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर। मैं बालकनी पे बैठ के इसलिए मैं तो ये देखिए ऑलमोस्ट जो है ना ये हो चुका है। पूरी कढ़ाई भर के कढ़ी बन गई है। कढ़ी जो अभी बज गए हैं रात के 9:30। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का ब्लॉग जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो अभी बजे हुए हैं 5:00। पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है ना। अच्छा, अब नहीं आ रही ना। हाँ, अब आ रही, अब नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ही खड़े होकर सूट कर ले रही हूँ। शाम के टाइम जो है ना सूरज जैसे हमारे बालकनी के साइड आ जाते हैं, तो जब भी इस टाइम जो है ना प्रॉपर तरीके से रोशनी होती है। बट देखो अभी कुछ ज़्यादा ही हो गई, एकदम हाईलाइट हो जा रहा है। हाँ कोई नहीं। हाँ, 5:00 से आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि हम शिफ्टिंग का जो हमारा काम चल रहा है, हम दूसरी जगह अपना घर जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं, सामान वगैरह शिफ्ट हो रहा है हमारा। और दिल्ली में जो है ना हम किराए के घर पे रहते हैं, तो किराए का घर जो है ना कभी भी स्थायी नहीं होता है। कभी भी आपको अपना सामान उठा के दूसरी जगह चेंज करना पड़ सकता है। इस घर में रहते हुए मुझे कम से कम 3 साल हो गया है। 3 साल के बाद जब भी आज मैं इस घर को छोड़ रही हूँ या सामान वगैरह शिफ्ट कर रही हूँ, तो बहुत अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जा रही हूँ ये सारी चीज़ें देख के कि कितनी शिद्दत से मैंने इस घर को सजाया था। मतलब एक एक चीज़ जो है ना हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। हम लड़कियाँ होते ही ऐसे है ना कि हम भले ही किराए के घर में रहें, बट हम उस घर को भी अपना घर समझ के उसको एकदम से अच्छे से साफ सुथरा वेल सेटल्ड करके रखते हैं। हालत खस्ता हो गई है काम करते हुए, शक्ल सूरत एकदम बर्बाद हो रखी है, थक गई हूँ, इसलिए आवाज़ वगैरह में भी आपको थोड़ा सा चेंजेस समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डस्ट चली गई है। जब भी डस्ट जाती है तो मेरी वॉइस जो है ना वो चेंज हो जाती है। चलो यार, मतलब बातें भी करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। तो कढ़ी जो है ना, कढ़ी बनाना है अभी मुझे। छाछ वगैरह फ्रिज से काफ़ी पहले ही निकाल के रख दिया था। और एक वीडियो सुबह से लेके 3-4 बजे तक एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, और सेकंड वीडियो भी स्टार्ट हो गया है। और जो है ना काम भी करती जा रही हूँ, वीडियो भी शूट करती जा रही हूँ, सामान वगैरह भी पैक करती जा रही हूँ। बनाना है पकौड़ी वाली कढ़ी। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो कढ़ी बनाना सीख पाई मैं। फ्लफ़ी नहीं बनती है ना मेरी पकौड़ी वगैरह, फ्लफ़ी कम बनती है। मम्मी से पूछा, सासू माँ से पूछा, और यहाँ पे आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया। अब जाके मेरी कढ़ी जो है ना वो अच्छी बनती है, पकौड़ी वगैरह एकदम सॉफ्ट बनती है। चलिए बनाते हैं, बातें काफ़ी हो गई। सुबह से काम करते हुए थक गई हूँ। पैकिंग वगैरह बराबर से चल रही है, सामान की पैकिंग कर रही हूँ, इधर खाना भी बना रही हूँ, बच्चे का भी ट्यूशन और स्कूल भी देख रही हूँ। पैर दर्द करने लगे इसलिए मैं बालकनी के साइड बैठ के जो है ना बेसन वगैरह फेंट ले रही हूँ। और सामने मैं अभी आपको दिखाऊँगी, सामने जो है ना आज मंडे है और अच्छा खासा मार्केट लगता है मंडे को, और सब्ज़ियाँ वगैरह और सारा कुछ मिलता है, तो नीचे का माहौल बहुत अच्छा रहता है मार्केट का, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के बाहर का नज़ारा भी ले रही हूँ और साथ में काम भी कर ले रही हूँ। मैं बालकनी पे बैठ के इसलिए मैं बेसन फेंट रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज जो है ना सोमवार का दिन है, और सोमवार के दिन यहाँ पर लगता है अच्छा खासा मार्केट। तो अभी 5:30 बजे हैं और मार्केट जो है ना वो लगने स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बालकनी के साइड ऐसे बैठ के, और सामने से दिखाई भी पड़ता रहता है, और बैठे बैठे यहाँ से मार्केट वगैरह भी देखती रहती हूँ। मन अच्छा हो जाता है, काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। तो अभी मार्केट लगना स्टार्ट हुआ है और ये 6 या 7 बजे तक कंप्लीट लग जाएगा, और उसके बाद 11, 12, 1 बजे तक जो है ना ऐसे लगातार से लगा रहता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से यहाँ पे मैं बैठ के काम वगैरह, जैसे सब्जियों वगैरह का कोई काम होता है तो मैं बैठ के कर लेती हूँ, या फिर कुछ और काम होता है तो मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए हमारे जो मकान मालिक जो है ना, उन्होंने बोर्ड वगैरह भी टांग दिया है कि कोई नया अगर किराएदार लेना चाहे तो हमारे इस फ्लैट को ले सकता है। तो ये बैनर टांग दिया गया है, मैं पीछे से दिखा रही हूँ इसको। तो ये देखिए ऑलमोस्ट जो है ना ये हो चुका है। काफ़ी देर तक मैंने इसको फेंट लिया है, अभी इस टेक्सचर में है ये।
मतलब अभी जब मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से फूलता है। मतलब जितना ज़्यादा फेंटिंग है उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो इसलिए मैं अच्छे से फेंट देती हूँ। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगती है, हाथ दर्द करने लगता है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बेसन जितना ज़्यादा फेंट लेंगे पकौड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगी। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया है और बहुत कम तेल में ही पकौड़ियाँ बनानी होती हैं, जिससे कि पकौड़ियाँ जो है ना ऊपर से इस तरीके से इनके एयर बबल्स टाइप के जो है ना बन जाएं और अंदर से पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तेल ज़्यादा नहीं लेना है, अगर पकौड़ियाँ डूब जाएंगी तो फिर वो हार्ड हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है आज की पकौड़ी, आप देख सकते हैं सभी में छेद हो रखे हैं। पूरी कढ़ाई भर के कढ़ी बन गई है। कढ़ी जो है ना मेरे हाथ से कभी भी थोड़ी कढ़ी नहीं बनती है, जब भी बनेगी तो पूरा पूरा भर के एकदम से बन जाएगा। लगता है बिगाड़ी है, बिगाड़ी है, थोड़ा और सा पानी ऐड करना है, थोड़ा और सा ऐड करना है, इस चक्कर में ना पूरा अच्छे से भर जाती है तो कढ़ी जो है ना। और कढ़ी मैं थोड़ा ज़्यादा भी बना लेती हूँ, मैं शाम को भी खा लेती हूँ, सुबह में भी खा लेती हूँ, और सामने आंटी को भी कढ़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं उनको भी दे देती हूँ, क्योंकि वो भी जल्दी से नहीं बना पाती है। तो जब भी बनता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो उनको भी दे दूंगी। बाकी हम लोग अभी भी खा लेंगे और थोड़ा सा बच जाएगा तो फ्रिज में रख लूँगी, तो रात में खा लूँगी। अभी अच्छा सा बॉईल आ गया है, जस्ट अभी सॉल्ट वगैरह अभी ही डाला है, थोड़ा सा अच्छे से पक जाने देंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए, और उसके बाद इसमें पकौड़ी वगैरह डालेंगे। रात हो गई है, अच्छे से साफ भी नहीं आ रहा अभी। अभी बज गए हैं रात के 9:30 और मार्केट में भीड़ आप देख सकते हैं, अच्छी खासी भीड़ जो है ना वो यहाँ पे लगी हुई है। छोटे छोटे ही दुकानदार होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे ही, काफी दूर तक लंबा सा मार्केट लगता है, काफी दूर तक। काफी ज्यादा सस्ती चीजें मिलती है यहाँ पर, सब्जियों से लेके, मतलब सारी चीजें, सब्जियों से लेके घर गृहस्थी से लेके, और कपड़े हैं, पर्स है, जूते चप्पल, एवरीथिंग। मैं अभी मार्केट से आई हूँ, सब्जियाँ वगैरह ले आई हूँ, तो सब्जियाँ जो है ना पूरा एक साथ लेकर रख लेती हूँ मैं पूरे हफ्ते के लिए। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है शिवरात्रि का दिन और मैं जा रही हूँ पूजा करने। हैप्पी शिवरात्रि ऑल। शिवरात्रि का दिन है और आज मेरा और हस्बैंड हम दोनों का ही फास्ट है। मैं फास्ट के दौरान कुछ कुछ चीज़ें खा लेती हूँ, जैसे फ्रूट्स वगैरह है, दूध, दही, चाय वगैरह, इस तरीके की चीज़ें खा लेती हूँ। बट हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाते हैं, इवन चाय भी नहीं पीते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। 24 घंटे का उनका महाशिवरात्रि का व्रत रहता है। और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहाया है, बाल बाल धुले हैं, वैभव के लिए नाश्ता वगैरह बना दिया है, क्योंकि मैं और हस्बैंड तो कुछ खाएंगे नहीं, बट वैभव के लिए तो बनाना होता है क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको तो खाना ही है, तो प्रॉपर खाना वैभव के लिए बना दिया है। और यहाँ पर मैं पूजा वगैरह कर ले रही हूँ। आज मंदिर भी जाना है और जिस मंदिर में हम लोग जाते हैं उस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब इतनी लंबी लाइन मिलती है कि जल्दी से जो है ना दर्शन करने को नहीं मिल पाता है। तो पहले मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद घर के काम वगैरह निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं मंदिर। और मंदिर में अगर हमें मतलब मिल जाता है अगर टाइम, या फिर दर्शन करने का नंबर आ जाता है हमारा, तो हम प्रॉपर तरीके से पूजा कर पाते हैं। बट घर में अच्छे से पूजा हो जाती है, इसलिए घर में मैं अच्छे से पहले घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। अंदर भी है और क्या, अंदर भी है। चलो तो ये हाथ जोड़ लो, चलो 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 शाम को आएंगे, शाम को आएंगे। दोपहर के 1 बजे हैं और मैं, हस्बैंड और बेटा, हम तीनों मंदिर आ गए हैं। ये हमारे पास का ही मंदिर है, शिव मंदिर है। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। वैभव के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा और हम दोनों भी परेशान हो जाएंगे, इस वजह से हम अभी बाहर से ही दर्शन करके वापस जा रहे हैं और शाम को वापस आएंगे अगर समय मिलेगा तो।
शाम के 5 बज गए हैं और वैभव को ट्यूशन से लेने के बाद हस्बैंड का कुछ ऑफिस का काम था डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो उस वजह से हम लोग आ गए हैं मार्केट। मार्केट में वैभव को जूस पीना था, वैभव को जूस पिला दिया है। मेरा भी जूस पीने का मन था बट हस्बैंड बोले कि मैं नहीं पीऊँगा, आपको पीना हो तो पी लो। फिर मैंने भी नहीं पिया, मतलब वो नहीं पीता फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने भी नहीं पिया, सिर्फ वैभव ने ही जूस पिया। और हम लोग मार्केट का काम वगैरह करवा के और हमें घर वापस जाना है, और घर वापस जाते टाइम जो है ना रास्ते में ही मंदिर पड़ता है, तो सोचा एक बार मंदिर भी चली जाती हूँ, अगर मंदिर में जगह मिल जाएगी, अगर इतना स्पेस मिल जाएगा कि हमें एंट्री हो जाएगी अगर हमारी, तो हम दर्शन भी कर लेंगे। और ये देखिए कि भोलेनाथ की कृपा थी हमारी, हमारे ऊपर, मेरे और हस्बैंड और बच्चे के ऊपर, तो आज जो है ना हमें दर्शन करने को भी मिल गया। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस समय शाम का वक्त है, अभी भी भीड़ चल रही है, लेकिन हम लोगों को अंदर प्रवेश मिल गया था। मैं और हस्बैंड हम दोनों ही आ गए थे, पूजा वगैरह कर ली और यहाँ पर हमें दर्शन करने को मिल गया। जब भी दर्शन करने को मिल गया तो लगा कि हम लोगों का जो है ना फास्ट एकदम सफल हो गया। यहाँ पर दिल्ली में मोस्टली साड़ी का ट्रेंड है, सभी लोग साड़ी वगैरह पहन के आते हैं मंदिर और पूजा करते हैं, मोस्टली लेडीज़ साड़ियाँ पहन के आती हैं। बट मैं साड़ी इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि हमारे घर का शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो मेरे कपड़े भी इधर उधर हैं, और इतना ज़्यादा काम होता है कि जल्दी से साड़ी वगैरह पहन के काम कर पाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए नहीं कर पाई। बट फास्ट और पूजा और सारा कुछ हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया और दर्शन हो गए, तो मन में अच्छी सी शांति मिल गई, वह अच्छा वाली फीलिंग आ गई। और यहाँ से मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। आई होप ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शिवरात्रि पर महाकाल का ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी महाशिवरात्रि है ना। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने। देवादिदेव महादेव, जय हो महाकाल।